हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द हिंदी ग्रामर क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी भाषा और व्याकरण। तो देखिए, भाषा क्या होती है? हमारी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, एंड व्याकरण आपको पता ही है, ग्रामर। तो आज हम इन दिस चैप्टर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ ग्रामर। तो पहले हम भाषा को समझेंगे कि भाषा क्या होती है। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं, मतलब यानी ऐसा साधन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मन के विचार, यानी जो भी बात हमें कहनी है या हमारे अंदर कोई भाव है उसको हमें किसी को बोलना है तो बोलने के लिए, तथा दूसरों के भावों को समझते हैं। तो अगर कोई दूसरे के भावों को समझने से मतलब है, दूसरा कोई हमसे कोई बात कहता है तो उसे हम समझते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी हमारे द्वारा जब हम कोई विचार प्रकट करते हैं तो हम बोलकर ही प्रकट करते हैं, ठीक है, या लिखकर प्रकट करते हैं। तो जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं या कोई दूसरा हमें अपने भावों को समझाता है तो वो उसके द्वारा जो साधन उपयोग किया जाता है वो कौन सा साधन होता है, भाषा का, यानी बोलकर हमें भाषा के द्वारा समझाता है। अब है भाषा के रूप। अब भाषा के, अभी बताया मैंने आपको कि जब हम अपने भावों को या विचारों को प्रकट करते हैं तो या तो बोलकर करना पड़ता है हमें या फिर लिखकर। तो यहाँ भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक मतलब होता है मुख से बोली गई, लिखित माने लिखी गई। तो अब हम समझेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, यानी जब हम कोई, हमें कोई बात किसी से कहनी है तो हम उससे बोलकर अपने विचार प्रकट करें तो वो भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा कहलाती है। यानी ऐसी रूप को क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि बातचीत करती हैं तो हमें बोलकर करनी पड़ती है, कहानी सुनना, ठीक है, कहानी सुनना सुनाना वो भी क्या कर, किससे करते हैं, मुख से बोलकर। या हमें किताब पढ़नी है तो कैसे करेंगे, बोलकर। तो ये सारे काम हम बोलकर करते हैं। तो इसमें जो भाषा यूज़ होती है वो कौन सी होती है, मौखिक भाषा। अब दूसरी है हमारी लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, यानी अगर हमें कोई बात कहनी है किसी से तो क्या करें, बोलने के बजाय दूसरी भाषा तरीका और होता है लिखने का, ठीक है, वो होता है लिखकर बताना। एक होता है मुख से बोलकर बताना, दूसरा है तरीका कि लिखकर हम बताएं। तो ये भाषा का यह रूप क्या कहलाता है, हमारा लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, अब देखो हमें बातचीत करनी है तो या तो कोई हमारे सामने है तो उससे हम कैसे बातचीत करते हैं, मुख से बोलकर, और अगर कोई दूर होता है व्यक्ति तो उससे कैसे बातचीत करते हैं, पत्र लिखकर, यानी उसे पत्र लिख के भेजती हैं तो हम बात करते हैं। तो ये हो गई लिखित भाषा का रूप और ये हो गया हमारा मौखिक भाषा का रूप। अब है निबंध लिखना। कोई निबंध लिखते हैं तो उसमें हम अपने विचार प्रकट करते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, लिखे हुए, बोले हुए नहीं होते। समाचार पत्र, समाचार पत्र में जो भी बात आती है, ठीक है, जो भी विचार भाव आते हैं दूसरों के, तो वो कैसे होते हैं, लिखे हुए। तो इस तरीके से भाषा क्या है, दो तरह की होती है, एक मौखिक और दूसरी होती है हमारी लिखित। तो हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हम या तो बोलकर कर सकते हैं या फिर लिखकर कर सकते हैं। अब है हमारा लिपि। अब लिपि क्या होती है उसको समझेंगे। इसकी परिभाषा है, भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। यानी कोई भी भाषा हम लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए क्या है, अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्ह, निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। यानी हर भाषा के अपने एक चिन्ह हैं तो उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन वो लिपि कौन सी यूज़ होती है उसमें, देवनागरी। बंगाली में भाषा है लेकिन लिपि कौन सी यूज़ करते हैं, वो बांग्ला। अंग्रेज़ी भाषा है और उनके लिखने का जो तरीका है लिपि का वो है रोमन।
कश्मीरी में फ़ारसी, पंजाबी में गुरुमुखी। तो इस तरीके से जो भाषा होती है उसको लिखने के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। अब है हमारा व्याकरण। अब देखिए व्याकरण क्या होता है, तो व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध बोलना, यानी शुद्ध माने सही बोलना, गलत ना बोलना, किसी भाषा को सही रूप में बोलना, पढ़ना या लिखना। यानी कोई भी काम करें वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, बोल रहे हों या पढ़ रहे हों या लिख रहे हों और या फिर समझना। हम व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। तो ये सब काम हम किस के ज़रिए सीखते हैं, व्याकरण के, यानी व्याकरण के प्रभाव से ही हम सही बोल पाते हैं, सही लिखते हैं, सही पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो लिखने बोलने और पढ़ने का जो सही रूप है, शुद्ध रूप, वो है हमारा व्याकरण। परिभाषा इसका दिया है, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यानी व्याकरण से ही हमें पता चलता है कि जो लैंग्वेज, यानी जो भाषा लिखी हुई है या हम पढ़ रहे हैं, वो शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, यहाँ है निकलता है पूरब सूरज से। फिर से पढ़िए इसको, निकलता है पूरब सूरज से। तो आप देख सकते हैं ये जो वाक्य है वो गलत है, ठीक है, यानी अशुद्ध है, ये एक सही वाक्य नहीं है। तो ये आपको कैसे पता चला, इसको पढ़कर आपको पता चला कि इसमें क्या है, व्याकरण का सही रूप उपयोग में नहीं लिया गया है, यानी इसको सही क्रम में नहीं रखा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं यह वाक्य कैसा है, अशुद्ध है, यानी गलत है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त शब्द, इसमें जो शब्द जैसे कि निकलता है पूरब सूरज से, ये जो शब्द हैं वो क्रम में नहीं हैं। यानी एक सही क्रम होता है लगाने का शब्दों को, तो तब जाकर हमारा एक सही वाक्य बनता है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द लगाए गए हैं वो सही क्रम में नहीं है, यानी अशुद्ध है। तो अब हम इसको शुद्ध करेंगे, तो कैसे करेंगे, सूरज पूरब से निकलता है, तो ये क्या बन गया, हमारा एक शुद्ध वाक्य। यानी हमने जो शब्द थे उनको आगे पीछे करके एक सही क्रम में, यानी सूरज को उसके स्थान पर लगाया, फिर उसके बाद पूरब से निकलता है, सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से, तो एक ये शुद्ध वाक्य बन गया। तो ये शुद्ध वाक्य बनाने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, व्याकरण का। यानी व्याकरण की वजह से ही हम क्या है, शुद्ध लिखते हैं और पढ़ते हैं।